उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। जहां बीते दिनों अतीक अहमद का परिवार काफ़ी चर्चा में रहा, तो इस समय मौजूदा समय में अंसारी बंधुओं के भी मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। एक तरफ जहां मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने 10 साल की सज़ा सुनाई है, इसके साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है, वहीं दूसरी तरफ अफजाल अंसारी जो कि मौजूदा सांसद हैं, उन्हें भी 4 साल की सज़ा सुनाई है और 1 लाख का जुर्माना लगाया है। और इस सज़ा के बाद ये बात लगभग तय है कि अफजाल अंसारी की सांसद सदस्यता जानी तय है। हालांकि उनके पास अधिकार है कि इस फैसले को वो अपर कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन अभी जो फैसला आया है उसके अनुसार अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खतरे में है। वहीं अगर बात करें जो अंसारी बंधु हैं, इनको सजा जो है वो कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़े एक गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला जो दर्ज किया गया था उसमें हुई है, और जहां मुख्तार अंसारी को 10 साल की सज़ा तो वहीं अफजाल अंसारी को 4 साल की सज़ा हुई है। अभी देखने वाला होगा कि इस सज़ा के खिलाफ किस कोर्ट में जाते हैं, अपर कोर्ट में जाते हैं और वहाँ किस तरह से अपील करते हैं। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि मुख्तार और अफजाल दोनों भाइयों की सजा हुई है, जिसमें अब अफजाल की जो कुर्सी है वो खतरे में है। लखनऊ से आयुष के साथ चन्मणि शुक्ला, द लीडर हिंदी।